तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल के मैदान पर तीसरे दिन का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 90 रनों का लक्ष्य मिला है। मैथ्यू वुड और जो बंस ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत की। दोनों भारतीय गेंदबाजी की दमकर बखिया उधर रहे हैं। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट के 51 रन हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि डिनर ब्रेक के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर बिना विकेट खोए 15 रन था। ये था ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग्स का ये, और वेड ने पहले ओवर में उमेश यादव की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और अपना टीम का खाता खोला था। दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम दूसरी पारी में 21.2 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 36 रन ही बना पाई, यानी कि सिर्फ 36 रन पर पूरे भारत की टीम ऑल आउट हो गई। दोस्तों मतलब क्या ये भारतीय टीम बैटिंग कर रहा था या फिर कोई और देश की टीम? दोस्तों पैट कमिंस की गेंद पर मोहम्मद शमी चोटिल हो गए, वो रिटायर्ड आउट हुए। इसी के साथ ही भारतीय पारी का बोरिया बिस्तर बन गया। टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी 250 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया का ये सबसे कम स्कोर है। भारतीय टीम का दूसरा विकेट आज यानी कि 19 दिसंबर 2020 को 15 रन के स्कोर पर गिरा था। इसके बाद टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 21 रन ही जुड़े और उसकी पूरी टीम पेविलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने सबसे सफल गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 3 मेडन देते हुए महज 8 रन दिए और 5 विकेट झटके। दोस्तों ये तो मतलब बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि भारतीय टीम जो है वो 36 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और पैट कमिंस ने भी दोस्तों 4 विकेट लिए हैं, उन्होंने 8 ओवर में अब तक 14 रन दिए हैं। दोस्तों तीसरे दिन भी मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर फेंका था और अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए थे। तो दोस्तों आपका क्या क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि भारतीय टीम की ये जो बल्लेबाजी थी क्या ये सही थी? सिर्फ 36 रन पर पूरी टीम का आउट हो जाना ये कहाँ तक ठीक है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।